एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी। मेरे यहाँ बेहतर व्रत। तो आज मैं करने वाली हूँ ग्लॉसी मेकअप लुक। जनरली जैसे विंटर्स में थोड़ी सी हमारी स्किन खिंची खिंची सी रहती है, और जैसा एक ग्लॉसी वाला लुक आता है ना, यहाँ पे काफ़ी शाइन रहती है चीक्स के ऊपर, तो वो उस टाइप का बेस हम कैसे बनाएंगे, तो आज का ये वीडियो इसी पर है। और ये सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। विंटर्स में सभी की मोस्टली स्किन ड्राई होती है, और ऑयली स्किन के लिए तो वैसे भी थोड़ी सी अच्छी रहती है, लेकिन ड्राई के लिए काफ़ी ड्राई रहता है। और मेकअप उसके ऊपर अच्छे से नहीं हो, अगर आपका बेस शाइनी नहीं है, तो मेकअप उतना अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ कि हम अपना बेस ग्लॉसी वाला कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को अच्छे से साफ़ कर लें, क्लीन कर लें। इसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र, ओलिविया का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा थिक है। तो विंटर्स में जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करें वो थिक वाला यूज़ करें, नहीं तो मतलब जो थिन वाले होते हैं ना, वो बहुत जल्दी गायब हो जाता है और आपकी स्किन फिर से ड्राई हो जाएगी। तो ये मैं ले रही हूँ और अच्छे से अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लें। और आँखों के ऊपर भी इसको अप्लाई कर ले, ताकि हमारी आँखें भी ड्राई ना रहें। अब हम इसके बाद यूज़ करेंगे प्राइमर। प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का प्राइमर। अच्छा है, अफोर्डेबल है और काफ़ी स्मूथ रहता है। तो इसको अप्लाई करेंगे हम अच्छे से। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे फेस ऑयल। यस, प्राइमर के बाद हम यूज़ करेंगे, आप पहले भी यूज़ कर सकते हो फेशियल ऑयल, और इसके नहीं तो मैं इसके बाद यूज़ कर रही हूँ। ऑयल कोई सा भी ले सकते हो, ये मैं स्विस ब्यूटी का ले रही हूँ। मतलब 7 to 8 ड्रॉप लें और अच्छे से अपने फेस को, मतलब अपने हाथों को अच्छे से गर्म कर लें। काफ़ी अच्छे से रब करें, कम से कम 1 मिनट तक। उसके बाद अपने फेस पे इसको अप्लाई करें। और अच्छे से मसाज कर लें। वैसे भी ऑयल जल्दी ही मतलब अब्सॉर्ब हो जाते हैं। अब हम इसके बाद यूज़ करेंगे फाउंडेशन। मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का फाउंडेशन है, और इसमें मेरा शेड है नंबर 02। अब यहाँ पे मैं कंसीलर ले रही हूँ एलेगल का कंसीलर। अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, जो कि है स्विस ब्यूटी का ऑयल कंट्रोल। इसमें मैं आपको कैसे यूज़ करना है, आपको डैब डैब नहीं यूज़ करना है। अगर ऑयली है तो डैब डैब करके यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा लूज मतलब ऐसा फ्लफी सा ब्रश लें और इस तरीके से हल्का हल्का अपने फेस पे हल्का हल्का अप्लाई करो। बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, वरना आपका जो शाइन है फेस से वो गायब हो जाएगी, क्योंकि ये सब सोक कर लेगा। कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करेंगे। अब मैं यूज कर रही हूँ रिवोल्यूशन की किट, आई शेडो किट। इसमें मैं सबसे पहले ये पिंक कलर लूंगी क्रीज लाइन। वाला ले रही हूँ तो हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब ये डार्क कलर का आई शेडो लिया है, इसको भी जो लास्ट कॉर्नर्स होते हैं वहाँ से ब्लेंड करते हुए जाएंगे। अब मैं हल्का सा कट क्रीज कर रही हूँ, और जो ब्रश है वो है पूना स्टोर का, तो ये कट क्रीज थोड़ा विंग्ड स्टाइल में होगा,
लॉन्ग, और नीचे से भी ऊपर को मैं इसको जॉइंट कर दूंगी। अब इन सबको हम फिल कर देंगे कंसीलर से। अब पिंक कलर का मैंने शिमर लिया है और एक पफ की मदद से इसको पूरे आईज पे जहाँ जहाँ मैंने कट क्रीज किया वहाँ अप्लाई करेंगे। ये पिंक कलर का लिक्विड मैंने शाइनर लिया है जो कि है निक का है ये, और इसको क्रीज लाइन पे मैंने यूज़ किया है। आईलाइनर जो यूज़ कर रही हूँ वो मेबलिन का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, तो विंग्ड वाला ही मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। और लोअर लैश लाइन पर मैंने डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है, तो जो कॉर्नर्स का लोअर लैश लाइन है वहीं पे यूज़ हाईलाइटर ले करूँगी। रही हूँ एज अ हाईलाइटर इस आई शेडो को, ये वाला कलर, इसे मैं आईब्रो बोन्स पे यूज करूंगी। तो जो आईब्रो बोन्स है उसके ऊपर भी इसको अप्लाई कर लेंगे। कंटूर करेंगे जो कि वेट एंड वाइल्ड का ही किट है, और इस तरीके से हम अपने मतलब फोरहेड और नोज की कॉन्टोरिंग कर लेंगे अच्छे से। अब मैं ब्रश ले रही हूँ जो कि है रिवोल्यूशन का, बेलरीना है इसका शेड, और ये बहुत ही प्यारा पिंक कलर है। तो जो ब्लशर मैं यूज़ कर रही हूँ वो हमारा चीक्स हो जाता है, और हल्का सा नोज़ पे भी यूज़ करते हैं और हल्का सा चिन पर भी यूज़ करते हैं। ले रही हूँ मेबेलिन का, तो यहाँ पे जो भी हाइलाइटर आपको जहाँ जहाँ यूज़ करना है आप उसको यूज़ कर सकते हो। फोरहेड हो गया हमारा, नोज़ का ये वाला एरिया हो गया, और चिन हो गया। लिपस्टिक ले रही हूँ एन बाय बी की, ये है नंबर 11 मोर शॉर्ट्स।